सहरसा विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी महेश राय द्वारा शुक्रवार को मंचीतवा में नामांकन की तैयारी को लेकर समर्थकों के साथ जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित समर्थकों ने एक एक कर महेश राय को जिताने के लिए अपनी राय व्यक्त की। जनसंवाद में महेश राय को राजद से टिकट नहीं देने पर समर्थकों ने नाराजगी व्यक्त की। समर्थकों को तेजस्वी यादव द्वारा टिकट के बदले परसा की जनता पर लाठीचार्ज कराने की घोर निंदा की और सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि परसा की जनता पर लाठीचार्ज कराने का बदला परसा की जनता राजद को धूल चटाकर महेश राय को पूर्ण बहुमत से जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेगी। जनसंवाद में मुखिया महेश राय ने उपस्थित समर्थकों से परसा में परिवर्तन के लिए एकजुट होकर चुनाव में सहयोग करने की अपील की। डी 11 टीवी के लिए दरियापुर से सोनू कुमार की रिपोर्ट। परसा की धरती पर जनता को अपमानित करने का काम किया गया है, तब तक परसा की धरती ने अंगड़ाई लिया है, जिसका उदाहरण है 1990 और 1990 को दोहराएगी इस बार परसा। और महेश राय को निर्दलीय जिताकर लालू परिवार को और टिकट बेचने वाले दलाल को यह संदेश देगी कि आप सिंबल देते हैं लेकिन परसा की जनता महेश राय को जीत का सर्टिफिकेट देगा। समझने के लिए हमारे पार्षद की जनता एकजुट होकर महेश बाबू के साथ वहां जाने का काम किया लोग, अपने संवाद रखने का काम किया लोग, लेकिन भाई तेजस्वी जी संवाद सुनने तक का भी वो माने रेडी नहीं हुए। हम लोग को बहुत खला और वहां दुर्व्यवहार भी किया गया प्रशासन के द्वारा, चाहे हमारे पार्षद की जनता जनार्दन के द्वारा। मैं इस बात से अवगत कराता हूँ, इससे पूरे परसा की जनता को मन में दुख है और ये तय कर लिया पूरा परसा कि चलिए टिकट नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, परसा की जनता आपकी आपको निर्दलीय ही जिता करके विधानसभा भेजने का काम करेगी और लालू परिवार को दिखाने का काम करेगी।